देखो बेटे, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन क्या करना है आज आपने, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में क्या बताया था आपको, अनपोलराइज्ड लाइट है, पोलराइजर लगाया है, पोलराइज्ड लाइट मिली है। अब पोलराइज्ड लाइट में क्या हो गया बेटे, उसका इंटेंसिटी कम हो गई है, इंटेंसिटी कम हो गई है, इसका फायदा क्या हो सकता है, इसका फायदा क्या हो सकता है, इसका फायदा बहुत हो सकते बेटा। जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हो और रात का टाइम है और सामने से ट्रैफिक आ रहे हैं ज्यादा, तो अगर आपने पोलराइजर स्पेक्स आपने लगा रखे, चश्मा लगा रखा है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे, यहां से कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम जरूर हो रही है लेकिन उसका उसका कलर भी वही है, सारी डिटेल भी उस ऑब्जेक्ट की वही है। फर्क किसमें आ रहा है, केवल इंटेंसिटी में फर्क आ रहा है, केवल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका क्या यूज हो गया, दिन में आप दोपहर के टाइम पे चश्मे लगा करके घूमते हो, वो चश्मे थोड़े महंगे आते हैं, ठीक है ना। पोलराइजर जिसके अंदर पोलराइजेशन इफेक्ट होता है स्पेक्स के अंदर, वो इंटेंसिटी क्या हो जाती है इसमें, कम हो जाती है। ड्राइविंग के वक्त इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, होलोग्राम पढ़ा है, होलोग्राम पता क्या होता है, होलोग्राम जो बुक के ऊपर स्टिकर लगे हुए होते हैं, एक एंगल पे देखते हो कुछ दिखाई देता है, दूसरे एंगल पे देखते हो कुछ दिखाई देता है, तीसरे एंगल पे देखोगे कुछ और दिखाई देगा। तो क्यों बना है, कॉपीराइट से बचने के लिए बना है, कॉपीराइट और कोई ना कर पाए, तो वो ओरिजिनलिटी का प्रूफ है एक तरह से। होलोग्राम, होलोग्राम बोलते हैं जिसको, तो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो पोलराइजेशन की वजह से पॉसिबल है। होलोग्राम का मतलब जरा ओरिजिनलिटी को बचाने के लिए होलोग्राम बनाए हुए हैं, एक एंगल से देखोगे कुछ और दूसरे से कुछ। कई मूर्तियां भी आती है घरों में, एक तरफ से देखने पर कुछ भगवान दिखाई देते हैं, दूसरे तरफ से दूसरा भगवान दिखाई देता है, तीसरे तरफ से तीसरा भगवान दिखाई देता है। तो क्या किसकी वजह से है, जरा पोलराइजेशन की वजह से है। अब 3D मूवी को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ 3D मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आप अपने फिंगर को अपने सामने कर लो दूर, ठीक है, कर लिया सभी बच्चों ने, सभी बच्चे रजत दीप्ति सभी बच्चे आपने आगे कर लो। अभी क्या है, इसके ऊपर आपने दूसरा फिंगर ऐसे टिप करनी है, इसके ऊपर दूसरी फिंगर आपने टिप करनी है, आराम से कर लेना सभी बच्चों ने। यस सर। अभी एक फिंगर हटा लीजिए, अभी एक आंख बंद कर करके दूसरा फिंगर दोबारा रखिए, एक आंख बंद करिए दोबारा रखिए। क्या एक बार में आप रख पा रहे हो, नहीं रख पाओगे बेटा, एक बार में नहीं रख पाओगे। अभी इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, इसका कंसेप्ट सुन लो बेटे, एक बार में क्यों नहीं रख पाए इसके ऊपर आप, कम से कम ज्यादा ट्राई करनी पड़ी है। या तो आपने अपनी आईज का एंगल एडजस्ट किया है इसके ऊपर टिप रखने के लिए, किया ना बेटे, तो एक आंख से क्यों नहीं दिखाई दे रहा, दो आंख से क्यों दिखाई देता। सुनो बेटे, अब ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने, इस आईने बेटा ये देखा, ये देख लिया इस आईने, दूसरी आईने बेटे ये देखा, इसने ये देखा, तो ऐसे एंगल बन गया। इस एंगल बनने से क्या फायदा हुआ, ये जो डेप्थ है ये हमें मिल गई, पहले जो है दोनों आई से देखने पर डेप्थ मिल गई थी डायरेक्ट, फिर जब एक आई से देखा तो क्या हुआ, ये डेप्थ आपको एडजस्ट करनी पड़ रही थी डेप्थ। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर आप एक एंगल पर बना करके देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, इस आईज ने बनाया, इस आई ने बताया बनाया, माइंड ने कैलकुलेट करके, माइंड ने प्रोग्रेस करके आपको बता दिया कि ये इतनी डेप्थ है, अब आप रख सकते हो फिंगर के ऊपर फिंगर, नहीं तो क्या आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है एक एंगल से। तो ये डेप्थ अगर पता चल जाए तो वही इफेक्ट हमने 3D मूवी में यूज किया हुआ है। 3D मूवीज में क्या होता है, ऐसा होता है कि आपको डेप्थ दिखाई देती है पूरी की पूरी, आपको लगता है कि हम मूवी के अंदर है, मूवी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई आपको गोली भी मारता है तो आपको फीलिंग आती है कि ये गोली मेरे ऊपर तो नहीं लगी है, ऐसे तलवार लगी है तो मेरे ऊपर तो नहीं लगी है तलवार, तो वो किसी वजह से है, ये जो डेप्थ आप बना पा रहे हो इसी की वजह से है। डेप्थ का प्रोसीजर 3D मूवी में लाने के लिए किसने
हेल्प करिए बेटा पोलराइजेशन ने, कैसे हेल्प करिए, कोई फिल्म जो है या फ्रंट में कोई फिल्म बना रहे हैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो अभी मैंने बताया। एक कैमरा लगा दिया बेटे ऐसे वाइब्रेशंस के लिए, उसने क्या है ये वाइब्रेशन गई है उस ऑब्जेक्ट पे, ये वाली वाइब्रेशन परपेंडिकुलर शूट हो गया। दूसरा एक कैमरा लगा दिया बेटे, उससे ये वाले वाइब्रेशन गए हैं, ठीक है शूट हो गया। सेम पिक्चर इस कैमरे से भी शूट हो गया, वही सेम शूट इसी कैमरे से भी कर लिया। अब दोनों को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, फिर क्या है अब फिल्म देखने गए डायरेक्ट देखोगे बिना चश्मे के तो क्या आप एंजॉय कर पाओगे, तो आपको कुछ वही लगेगा पहले जैसे देख रहे हो। अगर आप पोलराइजर स्पेक्स आपको मिलेंगे वहां पर, वो स्पेक्स मिलेंगे उनके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पोलराइज चश्मा लगा हुआ होगा, पोलराइज लगे हुए होंगे लेंस, तो एक आइज में क्या है जो वाइब्रेशन ये वाले जो उस टाइम तो ये आ जाएंगे, दूसरी आइज में कौन से थे बेटे ये वाले आ जाएंगे, वो चश्मा इनको डिटेक्ट कर लेगा ये वाले, और जो ये वाले हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। जब सेम चीज को दोनों वाइब्रेशन से देखोगे तो वो डेप्थ क्रिएट हो जाएगी आपकी। अब डेप्थ क्रिएट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आप बैठे हो, आप उसको ठीक से डेप्थ बना पा रहे हो, ठीक से डेप्थ बना पा रहे हो का मतलब क्या, आपको लगेगा कि मैं मूवी के साथ साथ मूवी के अंदर मैं भी इन्वॉल्व हूँ। आप देखते देखते ऐसे लगेगा खो जाओगे, कोई गोली लगेगी सामने से तो आपको क्या लगेगा कि मेरे ऊपर तो नहीं गोली आ रही है, इतना खो किसी ने मिठाई खिलाया तो लगा कि मेरे मुंह में खिलाया गया, ठीक है। तो ये सारे पोलराइजेशन की वजह से ही सारा पॉसिबल हुआ है। तो मूवी के अंदर होलोग्राम के अंदर पोलराइज स्पेक्टेकल के अंदर ये सारे क्या हो गए, इसके एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। थैंक यू बेटा।